Assalamu alaikum and welcome back with Lifestyle with Shazia. क्या हाल है आप सब लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक है। तो अच्छा, आज मैं आपके लिए रेसिपी जो लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े वाली बनने वाली है, और इसको चिकन जलफ्रेजी बोलते हैं, और मगर मैं अपने तरीके से आपको ये सिखाने वाली हूँ। मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है, मगर ये वीडियो मैंने एक डिफरेंट तरीके से जो है ना चिकन जलफ्रेजी बनाने का तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, चिकन मैंने 1 kg ली है। मैंने चिकन को मैरिनेट किया था सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ। अगर आपके पास वाइट पेपर है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया था 1 teaspoon जो है ना ब्लैक पेपर, 1 teaspoon सॉल्ट, उसको मैरिनेट किया 10-15 मिनट के लिए। अगर आप चाहें तो 15 मिनट के लिए ना रखें, 10 मिनट के लिए रखें तो पका सकते हैं। और इसको मैंने अनियन के साथ जो है ना फ्राई किया हुआ है, अभी हो रहा है फ्राई, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट इसको अच्छे से फ्राई हो गया। ये देखिए, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया चिकन का, बहुत मज़े वाला, बहुत प्यारा जो है ना इसका लुक आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ 2 मिर्चें ग्रीन चिलीज ली हैं, वो मैंने तोड़ कर इसको जो है ना अंदर शामिल कर दिए, और इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। और तो इसके बाद मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ कुछ। अच्छा, यहाँ तक थोड़े से इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखा देती हूँ, और जो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स के अंदर जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस मेरे पास पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैंने 1 teaspoon रेड चिली पाउडर लिया है, और 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 teaspoon जो है ना मैंने आमचूर पाउडर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप जाना चाहें तो जान डाल सकते हैं और नहीं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर 1/4 teaspoon जो हल्दी लिए मैंने, 1 tablespoon जो ना मैंने धनिया जो पिसा हुआ वो लिया है। यहाँ पर मैंने गरम मसाला 1 teaspoon लिया, और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होती है, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जूलियन स्लाइसेस जो है ना काट लिए, ग्रीन और रेड पेपर, ये जो है ना जलफेजी के लिए। वैसे तो मैं बड़े बड़े पीसेस काटती हूँ, मगर आज मैं सोचा कुछ डिफरेंट अलग तरीके से जलफेजी बनाई जाए, और बच्चे सब्ज़ में भी ब्रेड में डाल के ये खा सकते हैं आसान तरीके से। और यहाँ देखिए, यहाँ चिकन भी मज़े से तैयार हो रही है। इसके अंदर मैंने गार्लिक और जिंजर 1 teaspoon ऐड किया है, तो ये देखते हैं किस तरीके से तैयार हो गई है। अच्छा, इसके अंदर मैंने टमाटर प्यूरी जो है ना वो शामिल कर ली है, वो मैंने 4 tablespoon ली है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये देखिए जो है हम टमाटर प्यूरी जो मैंने ऐड कर दी है, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी इसके साथ। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और टमाटर सारे गल जाए इसके अंदर, तो उसके बाद में जो मसाला वो ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने ग्रीन रेड पेपर कट किए इस तरीके से, आप एक अनियन और लेकर इसको जरा जूलियन स्लाइसेस काट लें वो ऊपर डालने के लिए जलफ्रेजी के, अगर आप चाहें तो। अगर नहीं तो आप यही 2 इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको दिखाए हैं उसको जो है ना आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और आप लोगों का क्या हाल है? आई नो कुछ टाइम के बाद मैंने ये वीडियो डाला है, मगर बीन सो बिजी विद अदर थिंग्स, स्कूल हॉलीडेज ना, सो थोड़ा मेक सम वीडियो। मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए जो है बना दूँ चिकन जलफ्रेजी की, वो भी किस ऐसे तरीके से जो कि बहुत जल्दी बनने वाली है, और जल्दी से ये बन जाए। अगर मेहमान आ जाए तो आप जल्दी जो ना चिकन दे उसको वॉश करें, वॉश करने के बाद उसको जो मैरिनेट कर दें ब्लैक पेपर सॉल्ट के साथ, उसके बाद आप तड़का तैयार कर लें तो शामिल कर दें चिकन उसके अंदर फ्राई करने के लिए, तो बहुत जल्दी ये बन जाएगी। तो आज का मौसम भी कुछ बहुत ख़राब है, बारिश लगी हुई है यहाँ पर यूके में। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो मज़ीद देखनी है जरूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और भी इससे जितने भी हो सके वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो एक दिन में आपको जो ना शेयर कर सकूँ आपके साथ। वो कोई भी वीडियो हो सकता है, ये नहीं कि मैं सिर्फ कुकिंग आपको सिखाऊंगी, मैं कुछ भी आपको मतलब दिखा सकती हूँ और आपको जो है ना वीडियो बना के डाल सकती हूँ।
Yeah, Athena Bay. It's Lifestyle with Shazi Athena Bay, so obviously it can be anything. अगर मज़ीद आपको कुछ और देखना है तो आप ज़रूर जो है ना कमेंट बॉक्स में आप शामिल कर सकते हैं. अच्छा, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स के अंदर शामिल किए हैं गाइस, अगर आप इस पॉइंट पर ये आपको शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं. मैं वैसे ये आपको शामिल करती हूँ अपनी कुकिंग में, मगर आज मैं नहीं कर रही हूँ. यहाँ के बगैर बना रही हूँ जलफ्रेजी, और आप भी ज़रूर बनाइए जलफ्रेजी को. ये देखिए जलफ्रेजी का कलर भी इस तरीके से हो गया. ये देखिए कितना मज़े से टमाटर जो है ना गल चुके हैं. और यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ जो स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए थे वो ही ऐड करने वाली हूँ. ये देखिए अच्छा, मैं ओलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ गाइस. अगर आपको कोई भी ऑयल इस्तेमाल करना है, बटर इस्तेमाल करना है, कुछ भी इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं आप. इसको अगर क्रीमी बनाना है, अगर आपको एक टिप देती हूँ, अगर आपको अपनी ग्रेवी को क्रीमी बनाना है तो कौन स्टार्च जो कौन फ्लावर जो होता है कौन सूप बनाने के लिए वो आप टेबल स्पून एक दो ऐड कर दें वाटर के अंदर, उसके अंदर शामिल कर दें तो बहुत ही बहुत क्रीमी टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा. ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर इसका आ गया है. और इतनी टाइम नहीं लगता, ये तो जल्दी बनने वाला है और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके अंदर, और ना ही जो है ना महंगी चीज़ें जो है ना जलती हैं इसके अंदर. जो भी हाँ चिकन तो लेनी पड़ेगी आपको, मगर घर में मसाले जो भी होते हैं ना उससे ना ये जल्दी बन जाएगा और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. बच्चों को ये ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. वो कोई भी सब्ज के अंदर, ब्रेड के अंदर सैंडविच बना लें, इसके अंदर फैटस भी है, ऑनियंस भी हैं, और अच्छे तरीके से जो है चिकन भी प्रोटीन है, वो आपको जो है ना आप बच्चों को पसंद बहुत आएगी. अच्छा, ये देखिए कितना प्यारा सा कलर, मैंने लाइट ऑन की हुई है ताकि आपको सही तरीके से नज़र आ जाएगी. देखिए ये कितना प्यारा कलर इसके अंदर आ गया है. और अब मैं इसके अंदर जो है ना फैटस शामिल करने वाली हूँ. और ये देखिए मैंने फैटस शामिल कर दिए, थोड़ी देर इसको पकाऊंगी इनके साथ, क्योंकि आपको पता सब्ज़ी जितनी होती है वो जल्दी से पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता. ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सुना जलफ्रेजी आपके तैयार होने वाली है. बस इसको अच्छे से मिक्स कर दें. आप इसके इसको नूडल के साथ खाएँ, चावलों के साथ खाएँ, कुछ भी आप बनाएँ उसके साथ, नान में खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, बहुत ही मज़े की जो है डिश बननी है. Just try this out guys, it's the best amazing dish. It just tastes so nice and quicker to make as well. ये देखिए इसको थोड़ी देर के लिए मैं पकने के लिए रख दूँगी ताकि सब्ज़ियाँ थोड़ी तो सॉफ्ट हो जाएँ. अगर क्रंच लें आपको मतलब इसके अंदर चाहिए तो ज़्यादा देर जो है इसको ना पकाएं. थोड़ी देर के बाद जो है इसको जाना, मैं अनियंस नहीं ऐड करती हूँ गाइस, क्योंकि अनियन अनियन मेरे बच्चे ज़्यादा नहीं कम करते, तो मैं कोशिश करती हूँ तो मैं कवर देखा देती हूँ 10 मिनट के लिए, तो उसके बाद मैं खोलती हूँ तो आपको दिखाती हूँ. गाइस मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही बड़ी प्यारी मज़े से चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ. ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल टोकरी सी है बनी हुई है, मगर ये रोटी के लिए बनी हुई है, गर्म रोटी रखने के लिए. बहुत ही प्यारी कलर है इसके. और ये देखिए कितनी मज़े से प्यारी से इसके लिए जो है ना छोटा सा मिरर लगा हुआ है यहाँ पर. इसका कवर जो है ना इसके ऊपर इस तरीके से आप रख सकते हैं. गर्म रोटी गर्म रहती है इसके अंदर, मैं सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ. बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी प्राइसेस है ये मिल जाती है. आइए मैं आपको दिखाती हूँ चिकन किस तरीके से बनी हुई है. देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी चिकन तैयार हो गई है और कितनी खूबसूरत जो है लग रही है. ये देखिए ऑलरेडी कुक हो गई है, इतनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ मैंने इसको साफ़ नहीं करनी है, इतनी सब्ज़ियाँ ठीक है थोड़ा सी मतलब फील होना चाहिए ना उन्होंने के पेपर बेल पेपर भी इसके अंदर भरे हुए हैं. और यहाँ पर आप आसानी से जो ना अनियन अगर आपके पास हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल कर दें. दो तीन मिनट के लिए इसको रखें तो वो भी साफ़ हो जाएंगे. तो बहुत ही बड़े प्यारे मज़े वाली जो बनने वाली है, मैं इसको डिश ऐड करूँगी आपको दिखाऊँगी. अब इसको डिश ऐड करते हैं. ये देखिए वो माशाल्लाह कितनी प्यारी सब्ज़ी जो है तैयार हो गई है और बहुत ही कम टाइम में.
ये लीजिए गाइस, कितनी प्यारी सी सब मैंने इसके अंदर रोल जो है ना डाला हुआ है, और इसके साथ में खाऊंगी, इंजॉय करूंगी, आप ही इंजॉय करें और अपना ख्याल रखें। और मज़ीद आप अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे चैनल को लाइफ स्टाइल विशाज़िया। अल्लाह हाफिज़।